माधवी भाभी के पहले हम बुलाने जा रहे हैं। जिसका नाम लेना जा रही थी। लाइट को क्या हुआ भाई? अब्दुल कैसा लाइटिंग किया ये नंदू? लाइट तुझे क्या हुआ? नंदू कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। सुंदर यार, सोसाइटी तुमने नहीं बनाई, ऐसा कनेक्शन कैसा किया लाइट का? अरे मैं आयोजक हूँ, हेल्पर नहीं हूँ लाइट वाला के। मैं लाइट का कनेक्शन करता फिर हूँ यार। अब्दुल को सब मैंने को पता। तुम्हारी है ना भाई, सुनता है। ये जोश। What a surprising performance. Thank you a lot. सेठ जी, आप लोगों को हमारा चाचा भतीजे का डिस्को डांस कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया नटू काका, बहुत बढ़िया। शाबाश नटू, शाबाश बागा। थैंक यू। अरे मेडी सर, आपने इनको कब और कहाँ सिखाया डांस? पहले आप ये तो बताइए ये लोग है कौन? मैंने नहीं सिखाया। ले तो भगा, किसने सिखाया डांस? हाँ, हाँ। मुझे नटू काका ने सिखाया। ओ, और नटू काका आपको? मुझे भगा ने सिखाया। अंदर अंदर सेल्फ डेवलपमेंट। तो चलिए सरोज जी से पूछते हैं कि आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा उन्हें? वाह वाह, आप लोग दोनों बहुत अच्छा नाचे, लेकिन आपकी उम्र की दाद देनी चाहिए कि आप में अब भी इतना स्टेमिना है, आप इतना अच्छा नाचे हैं। भाई तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू सरोज जी। थैंक यू बागा बॉय, लेट्स मूव। आई तो ये थे नटू काका और बागा की शानदार परफॉर्मेंस। अच्छे डांस का अच्छा नतीजा, दोनों चाचा भतीजा। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले पार्टिसिपेंट जो खाली पन्नों को खूबसूरत लफ्जों से सजाते हैं, सुबह शाम श्रीमती जी के हाथों का ड्राई फ्रूट खाते हैं, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मजबूरी है, पर उसी करेले की वजह से इतने तंदुरुस्त नजर आते हैं। प्लीज वेलकम मेहता साहब एंड अंजलि भाभी। मेहता साहब फोट डालो। अरे भाई बहुत, अभी तो डांस के स्टेप ही नहीं जम रहे। अरे नहीं नहीं, अरे आप बढ़िया बढ़िया करेंगे। चलो मैं तारक मेहता और ये अंजलि, आपके सामने आज डांस करना मतलब जैसे हिमालय को आइसक्रीम दिखाने जैसा है। मैं तो क्या लेखक हूँ, मेरे हाथ चलते पांव चलते नहीं, कुछ कीजिए कि आज डांस हो जाए, बस पांव चलने लग जाए। जादू कर दिया सरोज जी ने भाई, क्या बात है। सरोज जी मैं तो इतना ही कहूंगी कि गोकुलधाम सोसाइटी में आप आए, हम धन्य हो गए। बस आशीर्वाद दो। बस आप कुछ ऐसा कीजिएगा आज हो जाए डांस, बस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज भी इन बाजुओं में उतनी ताकत है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अरे वाह मेहता साहब, आप क्या डांस कर रहे थे? अरे डांस करते हुए तो आप एकदम अनिल कपूर लग रहे थे। और अंजलि भाभी, आप एकदम अमृत सिंह जैसे लग रहे थे। ओहो। और मेहता साहब आप मन में यही गा रहे थे ना, सूप नहीं सैलेड नहीं समोसा खिला। अरे दिल की बात छीन ली तुमने। इसलिए तो लास्ट में करेले का हार पहनाया मैंने। मेहता साहब और अंजलि भाभी, आपको सोना चांदी तो नहीं चाहिए, कार के बारे में क्या ख्याल है? अरे अभी भी आप ख्याल पूछ रही हैं।
अरे आपने गाना ध्यान से नहीं सुना। चलिए देखते हैं हमारे जज का क्या कहना है। बहुत अच्छा नाचे आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सरोज जी अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहना चाहूंगा। मित्रों सरोज जी जिनका नाम परिचय का मोहताज नहीं है, 14 वर्ष की उम्र में जिन्होंने कोरियोग्राफी शुरू की, जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में कोरियोग्राफी की और इन्हीं की वजह से फिल्म फेयर में कोरियोग्राफर को अवार्ड की कैटेगरी शुरू की गई। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। और इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। और अकेली कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने कोरियोग्राफी के अवार्ड्स की हैट्रिक बनाई, जो नूतन से लेके करीना कपूर तक सबको नचा सकती हैं, तो हमें तो नचा ही सकती हैं। थैंक यू सो मच शरद जी, थैंक यू सो मच, हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेस्ट ऑफ लक मेहता साहब और अंजलि भाभी। तो कार की चाबी ले लें इतना जल्दी? ये भिड़े बार बार पीछे क्यों देख रहा है? उसे जाके समझाओ कि डांस आगे चल रहा है, पीछे नहीं। उनका ड्रेस आया नहीं ना, इसके लिए टेंशन में। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों कंपटीशन अब और भी टफ होते जा रहा है। यस। मेहता साहब और अंजलि भाभी की मजेदार परफॉर्मेंस के बाद अब मैं बुलाने जा रही हूँ गोकुलधाम का वो कपिल, जिनका आपसी नेटवर्क है बेमिसाल, जो नए मोबाइल फोन की तरह है कमाल, और आज इनका नाम भी बड़ा है और काम भी। प्लीज वेलकम दया एंड जेठालाल गरा। थैंक यू। बापूजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको इसी गाड़ी में बिठा के घर तक पहुंचा सकूं। घर यहीं पे तो है। नहीं नहीं, अपना बचाव वाला घर। तो बचाव कब बोलेगा? अरे हाँ सॉरी, वो पहले अंदर ही रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है। अब गाड़ी जीत के ही घर पे आना। अरे मजाक कर रहा हूँ, जा जा गाड़ी जीत के आ। फिर वही? अरे गाड़ी जीत के आ ऐसा कहा है, गाड़ी जीत के ही आ ऐसा थोड़ी कहा है, समझे? थैंक यू बापू जी, थैंक यू। मम्मी थैंक यू बेटा, थैंक यू बापू जी। मुझे नहीं बोलेगा बेटा? पापा मैंने बोला, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके यकीन नहीं हो रहे, आप साक्षात हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे। माधुरी जी को जिन्होंने डांस सिखाया वो माधुरी जी मेरे फेवरेट, एकदम फेवरेट। बहुत अच्छा लगता। आज आप दोनों माधुरी के जैसा डांस। अरे बाप रे, नहीं नहीं गुस्ताख के माप, हम डांसर नहीं है, आप बस हाथ रख दीजिए, थोड़ा बहुत जो भी आपके आशीर्वाद से हम कर पाए उधर है। मुझे भी। इसको दो बार, दो बार, दो बार। थैंक यू, गॉड ब्लेस। बैठिए बैठिए, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। आपको नहीं बोला बैठने के लिए, आप खड़े हो जाइए। क्या कर रही है दया? सॉरी मैम। क्या हुआ क्या सरोज जी? मुझे आपका डिस्को डांस नहीं देखना है।
लिली, जूली और जॉनी से कि उन्हें अचानक रोक दिया गया। जज साहिबा का फरमान इस तरह से आया जैसे बिजली का झटका लगा हो। भाई कोई बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसे कोई बॉलर क्लीन बोल्ड कर दे और अंपायर कहे ये तो नो बॉल थी, फिर क्या होगा? वही हुआ है इन दोनों के साथ जब इन्हें रोक दिया गया। और हम सबकी स्थिति ऐसी है जैसे किसी कार में जा रहे हो, तेज गति से कार चल रही हो, अचानक ब्रेक लगे तो झटका लगेगा, वैसा ही झटका हमें लगा है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी सबकी, लेकिन इन दोनों ने क्या गलती की कि जज साहिबा ने इन्हें रोक दिया? ना तो मैं जानता हूं ना मैं बता सकता हूं, ये तो वो ही बता सकती हैं कि क्यों रोका गया इन्हें। लेकिन उन्होंने क्यों रोका है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड, तब आपको पता चलेगा इन्हें क्यों रोका गया। फिर ठाके ठाके देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। क्या हुआ क्या सरोज जी? दया बहन, वैसे तो आप ये बहुत अच्छा डांस कर रही थी। आपके गरबे की हमने बहुत तारीफ सुनी है। इसी म्यूजिक पर, इसी स्पीड में आप हमें गरबा करके बताइए तो मानू। ले, अरे, ओ, आपने तो हमको डरा ही दिया था। गरबा तो आधी रात को करने को तैयार हो जाती है। जो हुकुम मेरे आका। मैं हलू। म्यूजिक। अरे बेला। बहुत बढ़िया। भाई कमाल हो गया जेठालाल। हाँ बढ़िया जीता जी। जॉनी जूलियन गरबा, वाह 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 वाह, गरबा और डिस्को क्या वैरायटी लाए हैं आप। क्या लगता है आपको ये आपका वैरायटी आपको ये कार जिता पाएगा? अभी हमने तो हमारे से भूल सके उतनी पूरी कोशिश की है और तन मन धन से डांस किया है, अभी देखते हैं। धन धन इसमें कहाँ से है? अरे ये कपड़े सब लाने में धन लगा है। हाँ हाँ, बाल में भी काफी धन गया। इससे ज्यादा में गया था। तभी तो सरोज जी के हाथ में है। सरोज जी हमें खुले दिल से माफ देंगे तो हम ये खुली गाड़ी जीत पाएंगे। माइक। अच्छा, मुझे लगा कुछ बोल रहे। तो सरोज जी, आपको इनका डांस अच्छा लगा? मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे आपका डांस बहुत अच्छा लगा। बापूजी देख रहे बापू। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू। तो एक बार फिर जोरदार तालियां जूली और जॉनी के लिए। अरे जॉनी और जूली, माफ कीजिए। हाँ तो दोस्तों चलिए एक बार और जोरदार तालियां जूली और जॉनी के लिए। तुम मुझे जूली बनाने पे क्यों तुली हुई हो? Sorry. एक बार और बोल दीजिए बराबर। अच्छा चलिए दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए जॉनी और जूली के लिए। वाह बेटा वाह। अरे क्या तू छोड़ने अभी अंग्रेजी गिरी, चल ना अभी। थैंक यू। हाँ चल। कहना पड़ेगा ये पहला ऐसा जॉनी था जो गरबा कर रहा था। और अब मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें जिन्होंने अपने सुंदर काम से इस गोकुलधाम सोसाइटी को और भी सुंदर बना दिया है और इत्तेफाक से उनका नाम भी है चाहूंगी वो शख्स
जिनकी सोडा गोकुलधाम में फेमस है। प्लीज वेलकम सुंदरलाल एंड अब्दुल भाई। अरे वाह 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 अब्दुल, ऑल द बेस्ट भाई। जा और मुझसे अच्छा मत करना। वालेकुम। ये जरा एक्साइट हो गया कि आपके सामने परफॉर्मेंस करना है तो आपके पैर छूने के लिए वो गिर गया था। लेकिन वहाँ जाके एक्साइटमेंट में गिर मत जाना। नहीं 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 चलो जाओ 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 गो गो गो। थैंक यू। बस बेटा मस्त था। पुलिस आ जाएगी, टाइम फिर बहुत कम है अपने पास, प्रोग्राम खत्म करने का है। तो सुंदरलाल जी आपको क्या लगता है, क्या आप बेस्ट डिस्को डांसर का अवार्ड जीतेंगे? अरे हम दोनों ने तो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए डांस किया है, हम लोग इस कंपटीशन से बाहर है। गाड़ी तो गोकुलधाम वासी को ही मिलेगी। बराबर। वाह वाह वीरा वाह। क्या वाह क्या उसने वाह क्या बराबर ही है। वॉकिंग संस्कार। और हाँ अगर गाड़ी सोडे से चलती तो मैं इसे जीतने की कोशिश करता। तो सरोज जी भले ये लोग कॉम्पिटिशन में नहीं है पर इनका डांस कैसा लगा आपको? इनका डांस काबिले तारीफ है। थैंक यू। आप प्राइज के लिए नहीं कर रहे थे, बहुत समझदार हैं आप। थैंक यू। क्योंकि आपको मालूम था आप जीतने वाले तो हैं नहीं। अब्दुल भाई मैंने आपसे कहा था ना स्टेज पे गिरना मत, फिर भी आप गिर गए। वो मैं जानबूझ के नहीं गिरा, वो सुंदर भाई ने मुझे लात मारा इसलिए मैं गिर गया। अरे लेकिन आप मेरे पास आ गए तो मैं क्या करूँ यार, वो मेरा तो प्रॉब्लम था नहीं ना वो। ओहो वो देखो पीछे कौन खड़ा है, मिथुन दादा सॉरी बोल देना नीचे आने से पहले। दादा सॉरी बोल दिया। और अब आ रहे हैं वो जिनके पैर तो है जमीन पर दिल है आसमान पर। थोड़ा इंतजार कीजिए उनका क्योंकि आ रहे हैं बबीता जी और साइंटिस्ट आर्यन। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू हमें तो बहुत डर लग रहा है कि हम आपके सामने डांस करने वाले। डरने की क्या बात है, खुल के नाचो। थैंक यू सो मच, प्लीज ब्लेस अस। जबरदस्त बबीता जी। वाह क्या डांस किया है आर्यन जी और बबीता जी, आपने तो धमाका कर दिया। सरोज जी आपको हमारा डांस कैसा लगा? बबीता जी बहुत अच्छा नाचती हैं आप। अय्यर जी अ वेरी गुड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। क्या वाह। अरे वाह। थैंक यू। वाह बबीता जी वाह जबरदस्त, मतलब जबरदस्त। अय्यर भाई पे तो ध्यान ही नहीं गया, नहीं दिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। थैंक यू। तो अरे आपने भी बबीता जी जितना बढ़िया डांस किया होता तो आप दोनों को आज यहाँ किसी ना किसी की नजर जरूर लग जाती, लेकिन क्या संभाला है आपने, जबरदस्त। बहुत बढ़िया बबीता जी, बहुत बढ़िया, मतलब दूसरा भी चालू हो रहा है। वाह वाह बहुत बढ़िया, प्लीज प्लीज बैठिए। गोकुलधाम में एक से बढ़कर एक डांसिंग सुपरस्टार्स हैं
अब आ रहे हैं ऐसे सुपरस्टार्स जो उम्र में है छोटे पर काम करते हैं बड़े बड़े, अपनी बात पर हमेशा रहते हैं अड़े। किसकी क्या मजाल जो टप्पू सेना से लड़े। जी हाँ दोस्तों, आ रहे हैं टप्पू सेना। बापू जी को पैर पर एकदम एकदम जम के करना है। अप्रतिम टप्पू सेना अप्रतिम। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आप लोग इतने अच्छे डांसर्स हैं, आई मीन मेरे को फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि आप में से एक ना एक तो डांसिंग स्टार बनेगा ही बनेगा। और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं कि आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। अहो, अब तो बच्चों का भी परफॉर्मेंस हो गया है, इसके बाद हमारी ही बारी है। अभी तक आपके कॉस्ट्यूम नहीं आए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। माधवी देवा वाचव रे। खरच रे बाबा वाचव, कठिन है। जिंदगी में कुछ चीजों के बिना संभव नहीं होती। मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम का ओपनर सलामी बल्लेबाज जा रहा हो अपनी टीम के लिए बैटिंग करने के लिए, और उसे पता चले लास्ट मोमेंट पे के उसका क्रिकेट बैट उसके पास नहीं है, उसकी स्थिति कैसी होगी? ठीक वैसी स्थिति अभी हमारे भिड़े की है। भिड़े के पास डिस्को डांस करने के लिए उनका कॉस्ट्यूम नहीं आया है, अब क्या करेंगे वो भाई? सबके शानदार परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं, लेकिन भिड़े भाई और माधवी भाभी इनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। अब हो भी कैसे भाई, बिना कॉस्ट्यूम के डिस्को तो ऐसा ही लगेगा जैसे बिना नमक के खाना। लेकिन जिंदगी में एक चीज आपको भी हमेशा सोचनी चाहिए कि अगर कोई चीज आपके पास उपलब्ध ना हो तो हार नहीं माननी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम आगे बढ़ें, संघर्ष करें। लेकिन इस वक्त देखना यह है कि इस खूबसूरत मंच पे जहां इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हो रही है, वहां भिड़े और माधवी अपना डिस्को डांस कर पाएंगे या नहीं, और ये कार कौन जीतेगा? सरोज जी किसे जिताएंगी ये कार और किसे बनाएंगी विजेता, ये सब सोचने वाली बात है। मैं जानता हूं आपके पास सोचने के लिए 2 दिन का वक्त है, शनिवार और रविवार जरूर सोचिए। हम मिलेंगे सोमवार को तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो अब आ रही है गोकुल धाम डिस्को नाइट की आखिरी परफॉर्मेंस। जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम भिड़े भाई और माधवी भाभी। मास्टर जी आशीर्वाद। टेंशन में क्यों लग रहा? डांस का तो टेंशन है ही, लेकिन इनके कॉस्ट्यूम। नहीं, वैसे आ गए, कोई टेंशन नहीं। अगर कुछ नहीं है तो ये फ्राउन क्यों? स्माइल। हाँ, थैंक यू। चला क्या हो इनते बबुआ था। दरअसल ये मेरा कॉस्ट्यूम नहीं है, एक्चुअली मेरा कॉस्ट्यूम अभी तक आया ही नहीं है। तो फिर ये पैंट जो है वो मेहता साहब की है। लो। शर्ट अय्यर का है, जैकेट सुंदरलाल का है, और जूते पोपटलाल के हैं। और ये मिक्स एंड मैच का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो आइडिया है, ये माधवी का है। क्या बात है। वाह माधवी।
सॉरी हाँ हाँ सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी क्या भाई बहुत बहुत अच्छा किया भाई माधवी भाभी क्या आइडिया था हाँ माधवी भाभी गुड आइडिया अरे बिल्ली मास्टर तूने कपड़े भले ही मेहता सुंदर अय्यर और पोपट के पहने हो लेकिन नाचा तू एकदम भिड़े की तरह अरे वाह वाह थैंक यू नहीं नहीं बाबू जी अच्छा नाचा अच्छा नाचा वाह भिड़ा वाह कमाल हो गया भैया हेयर स्टाइल एकदम फर्स्ट क्लास है इसे परमानेंट बना लो नहीं कोई जरूरी नहीं पोपटलाल मेरी शादी हो चुकी है ना जी, आपका क्या कहना है इस परफॉर्मेंस के बारे में डांस तो छोड़ो आइडिया कितनी ब्रिलियंट है अगर ये आइडिया नहीं होती तो ये डांस भी नहीं होता फिर हमें क्या देखने को मिलता कुछ भी नहीं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट्यूम ये एकदम आउटस्टैंडिंग हो गया वेरी गुड माधवी कीप इट अप भिड़े भाई क्या डांस किया है मुझे एकदम गोविंदा की याद आ गई यू नो गोविंदा ना मेरे स्टूडेंट हैं सरोज जी ये बोले मतलब बहुत बड़ी बात हो गई क्या लचक है उफ क्या एक्सप्रेशन है ओके भाई सुपर्ब थैंक यू सो मच अगर गलती से भी तू गाड़ी जीत गया ना तो शेयर करनी पड़ेगी भाई जूते मेरे थे अरे ये भी कोई पूछने की बात है पूछ नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ हाँ बाबा हाँ कर लो मत थैंक यू जाएगा अरे ये आप लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं कौन जीतेगा ये डिसाइड करेंगी हमारी जज साहिबा लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है जी हाँ दोस्तों हमारी जज साहिबा रिजल्ट के साथ तैयार है दोस्तों जोरदार ताली के साथ प्लीज वेलकम सरोज जी आइए मैम वेलकम वेलकम मैम प्लीज आइए प्लीज थैंक यू वेरी मच गोकुल धाम के रहने वालों आप तो हर चीज में अव्वल हैं डिस्को में भी मेहमान नवाजी में भी और साथ साथ में तालियां बजाने में सही बात है ये मेहमान नवाजी और ये डिस्को मैं कभी नहीं भूलूंगी और सरोज बेन आपकी जैसी बड़ी हस्ती हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आए ये बात भी हम जिंदगी भर याद रखेंगे और हाँ ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको हमारे घर पे आना है खाना खाकर ही जाना होगा हाँ सरोजी यहाँ की प्रथा है वो नहीं नहीं आज नहीं फिर कभी आऊंगी स्पेशली खाना खाकर ही जाऊंगी फिलहाल तो मुझे ये कहना है जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कई बढ़कर आप लोगों ने डांस किया थैंक यू और इतना बड़ा इनाम देने से पहले मैं आप लोगों को अपनी तरफ से छोटा छोटा इनाम देना चाहती हूँ क्या आप लोग तैयार हैं हाँ बिल्कुल एक मिनट सरोज जी इससे पहले कि आप हम सब लोगों के लिए स्पेशल इनाम डिक्लेयर करें हम सब लोग आपसे एक स्पेशल इनाम चाहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी मेरे से आप जैसी इतनी बड़ी नृत्य निर्देशिका गोकुल धाम में आई है जिन्होंने इतने बड़े सितारों को अपनी उंगलियों पर नचाया है आप यहाँ आए और हम लोग आपके नृत्य की एक झलक न देख सके ये तो अन्याय होगा तो हमारी आप ये गुजारिश स्वीकार करें और हमें अपने नृत्य की झलक दिखला दें बस सरोज जी आपने जो डांस किया है और इस उम्र में इतनी ऊर्जा मेरे ख्याल से जितने नए लोग हैं अगर आपको देखें
तो उस वक्त कवि उदय प्रताप जी की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जो बिल्कुल सच है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है और नए खिवैया ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया। थैंक यू सो मच मैम। अब आप लोग प्यार से बैठ जाइए और प्यार से मेरा इनाम एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहला इनाम जाता है जिसने बहुत अच्छी पतली कमर चलाई। ये अवार्ड तो हमें ही मिलेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। गैस गैस पोपट लाल जी। वाह 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 उत्तम। तेरा पोपटलाल घुस क्या हो रहे हो? ये लड़की का इनाम तुमको मिला है। भाई जेठालाल इनाम तो इनाम होता है, लड़की का क्या और लड़के का क्या? और सरोज जी के हाथ से इनाम लेना मतलब, ये भी तो सोचा। अगले साल ये पतली कमर का इनाम मुझे चाहिए। और चाचा जी अगले साल क्यों? अगर आपने हिस्सा लिया होता तो ये अवार्ड आपको इस साल ही मिल जाता। अरे ऐसा नहीं सोड़ी, मैं ये चाहता हूँ कि अगले साल ये पतली कमर का इनाम मेरा जेठिया जीते। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। मैम ये भेंट छोटी कैसे हो सकती है? ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है और इसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। वेरी गुड। आपसे बस एक और गुजारिश है कि मुझे एक और छोटा सा इनाम दे दीजिए। वो क्या? बस ये आशीर्वाद दे दीजिए कि इस जन्म में किसी न किसी तरह से मेरी शादी हो जाए। तथास्तु। वाह 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 इनाम मिल गया, मिल गया, मिल गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कांग्रेस कांग्रेस। और अगला इनाम है टिस्को दीवाने। जो जाता है मिस्टर एंड मिसेस सॉरी। आया बता। पापा तुझे ग्रेट। थैंक यू थैंक यू। सोडी जी और रोशन जी आप दोनों रोमांटिक कपल हो, क्योंकि आप दोनों का रोमांस ऐसा छलकता है छलकता। बस इसी तरह हंसते रहिएगा, झूमते रहिएगा, गाते रहिएगा हसमुख की तरह। ओए हम तो सोडी हैं। ओए ओए रोशन। अभिनंदन। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अतरंगी जोड़ी जिन्होंने सरप्राइज परफॉर्मेंस दिया था। अय्यर भाई बबीता जी। वो है नट्टू काका और बागा जी। अरे वाह। अरे हाँ वो लोग भी है। हाँ वो भी अतरंगी है। आइए नट्टू काका। दोनों चाचा। मैं चाचा। मैं भतीजा। अच्छा आप दोनों की जोड़ी कमाल की, लेकिन एक चीज मेरी कुछ समझ में नहीं आई, वो है अनाड़ी कौन है और खिलाड़ी कौन है? सरोज जी वो बात सीक्रेट है, उसे सीक्रेट ही रहने दीजिए। सरोज जी हमारे लिए तो एक ही बात इम्पोर्टेंट है कि हम चाचा भतीजा ने आपके हाथों इनाम पाया। ओह इनाम इनाम दीजिए। थैंक यू सरोज जी थैंक यू। आइए ना ठीक है। छकास डिस्को और छकास कॉस्ट्यूम का अवार्ड इनाम जाता है सोसाइटी के सेक्रेटरी और उनकी वाइफ माधवी को। तुम्हारी आइडिया को इनाम मिला है माधवी। चल चल भेड़े भाई आपके कॉस्ट्यूम्स टू गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमें ये इनाम मिला है और वो भी आपके हाथों से। तो क्या क्या बात है। थैंक यू सो मच। ये गाड़ी किसने जीती वो कब बताएंगे?
शतरंज के खेल में दो हाथी होते हैं, दो घोड़े होते हैं, दो ऊंट होते हैं और प्यादे तो कई सारे होते हैं, लेकिन राजा एक होता है। लेकिन गोकुल धाम की इस नृत्य संध्या में जहां डिस्को डांस चल रहा है वहां तो सारे के सारे राजा हैं, इतनी शानदार परफॉर्मेंस की है सबने। लेकिन जिंदगी में आपने देखा होगा कि रियासतों के राजा तो होते हैं, महाराजा एक होता है। अब यहां भी तय करना मुश्किल है कि वो महाराजा कौन होगा जो जीतेगा कार। भाई सब इस मुकाबले में इसलिए शानदार जानदार जोरदार हिस्सा ले रहे थे कि सबको जीतनी थी कार। लेकिन अब देखना यह है कि सरोज जी किसे जिताती है ये मौका शानदार गाड़ी घर ले जाने का। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को घर ले जाने के लिए कहीं एक और महामुकाबला ना हो जाए। भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ, लेकिन ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड, जिसमें होंगे बहुत सारे हंगामे, बहुत सारे ठहाके, आपके चेहरों पर रहेगी वही हंसी। तब तक सोचिए कि कार कौन ले जाएगा अपने घर और कार जीतने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। बस सोचते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब तक सभी को डिस्को सलाम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.